आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती अम्बा, जो तुझे साध लेता है वो दुनिया के हर शक्ति, हर सिद्धि और हर स्थिति को साध लेता है। मन पर कंट्रोल हो जाता है, शक्ति का संचार हो जाता है और धन की आय निरंतर बनी रहती है। सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ। आज 28 जून 2024 चंद्रमा मीन राशि में, अहोरात्र मीन राशि में राहु भी विचर रहे हैं, तो राहु और चंद्र का भी शोक बना। आज गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा सुबह 10:10 तक, उसके बाद शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा। मासिक कालाष्टमी है आज और संत तुकाराम महाराज की पालखी प्रस्थान है देहू से। बोलो संत तुकाराम महाराज की जय। आइए मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा राहु के साथ चंद्रमा जब बनेंगे तो क्या करना चाहिए। हम सिर्फ उपायों के विषय में जानेंगे कि किसको क्या उपाय करना चाहिए मेष से लेके मीन राशि को। मेष राशि, आपको क्या करना है, खर्चे कम करने हैं, अपने पॉकेट को पकड़ के रखें, साथ में अपने प्रेम संबंध से आज दूरी बनाएं, अपनी तबीयत का खासकर पेट का ध्यान रखें। वृषभ राशि, आज काम से पैसे नहीं आते तो बेचैनी मत कीजिए। आज के दिन केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद है तो उनमें आप संभल के व्यवहार कीजिए और साथ साथ में शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाएं। मिथुन राशि, कार्यस्थल पर बेचैनी, गलत फहमियाँ, भ्रमित हो जाना, इससे आपको बचना है तो आप ओम नमः शिवाय के जाप करके मेडिटेशन कीजिए और साथ साथ शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाएं। कर्क राशि, निकले हैं यात्रा पर तो अपने पेट का ध्यान रखिए। निकले हैं यात्रा पर तो भ्रमित मत होइए, कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मुझे तंग कर रहा है, कुछ बड़े भाई बहनों से मन मुटाव है, पिता से मन मुटाव, बेकार ही आप सोच रहे हैं। आपको अपने मन को शांत करने के लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए। सिंह राशि, किसी भी प्रकार से नींद नहीं आती, तबीयत खराब है या आपको मन की बेचैनी है, भ्रमित हैं आप, तो आज आपको शिव जी के जाप बहुत हेल्प करेंगे। वहीं पर आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी बड़ा हेल्प करेगा। साथ साथ में प्रैक्टिकली खाना पीना सही खाइए जहां तक हो सके आज के दिन। कन्या राशि, आज स्पेस बनाइए विवाहित जीवन के साथी के साथ, कलह क्लेश मत कीजिए, पैसों के लिए खासकर काम आगे नहीं बढ़ता तो फिर कल बढ़ेगा, आज का दिन बेचैनी मत कीजिए, कल फिर स्थिति अच्छी होगी। आज का दिन आप शांत रहें, अपने जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याओं के लिए घबराइए नहीं, कुछ नहीं ऐसा जैसा आज सोचेंगे आप। तुला राशि, आपको जो है आज लोन देना है ना लेना है, किसी को लोन चुकता करना है तो अवश्य करें, बेचैनी ना करें, ये मेरा विरोधी है, वो है, इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, ऐसा वहम नहीं करना है और अपनी तबीयत संभालनी है, मामा पक्ष के साथ बिगाड़ना नहीं है। वृश्चिक राशि, मानसिक बेचैनी होती है तो काले तिल डाल के शिव जी को जल चढ़ाएं, बच्चों की तबीयत का और उनके पढ़ाई अध्ययन विद्या का उनका हर तरह से ध्यान रखें। कुछ काम आप चाहते थे आपके मित्रों के साथ मिलकर बन जाए, आज नहीं हुए तो बेचैनी मत कीजिए, शांत रहिए। अगर आप आज काम की यात्रा पर निकले तो खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाएं। धनु राशि, आपके लिए घर में आराम से बैठकर रेस्ट करने का दिन है, कलह क्लेश करने का नहीं है, माता पक्ष के साथ बेचैनी भी नहीं करनी है, उनकी भी तबीयत का ध्यान रखना है, आज कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आज का दिन आपको शांति से बिताना है, हेल्पर्स के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। मकर राशि, यात्रा पर निकले तो बेचैनी होती है अगर आपको कि आपके विवाहित जीवन के साथी ने ऐसा किया था तो वो विचार ही आए जा रहे हैं आपको, उनके व्यवसाय के पार्टनर ने कुछ गड़बड़ कर दी थी तो काम बिगड़ गया, तो आज भ्रमित ना हो, अपने मन पर कंट्रोल रखें, शिव जी का नाम लें, कार्य करें और आगे बढ़ें।
कुंभ राशि। आज के दिन आपके कुछ काम जो आपको लोन्स वगैरह से रिलेटेड चाहिए थे, कर्ज चुकता करने से चाहिए थे, वो नहीं हो रहे और आपका संचित धन लगातार किसी और काम से निकलता जा रहा है। बेचैन ना हुए, जो पैसा जहां लगना है वो तो लगना ही है और परिवार पर लगना है तो लगना ही है। हाँ, फिजूल खर्ची न करें, विरोधियों से सावधान रहें। मीन राशि। लग्न में राहु और चंद्र की युति आपको दे सकती है बेचैनी। आप क्या करें, आज का दिन पानी ज़्यादा पिएं, मानसिक बल को बनाने के लिए शिव जी के जाप करें, ओम नमः शिवाय के काले तिल डाल के शिव जी को जल चढ़ाएं, कुछ नीडी लोगों की हेल्प करें, उन्हें खाना वगैरह जो भी चाहिए वो ज़रूर अवश्य दें। चंद्र और राहु की युति में इंसान भ्रमित हो जाता है, मन पर दड़पण आता है। दड़पण क्या, उसको वहम होते हैं, उसको ऐसा लगता है मेरे साथ किसी ने कुछ किया, मेरा कुछ हो गया बुरा, और इसी ख्याल में वो बहुत घबराता है। हालांकि ये घबराना गलत है, उसको अपने मन पर कंट्रोल के लिए खूब मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए। आपके लिए आज का जो प्रैक्टिकल उपाय मैं बता रही हूँ, ध्यान धारणा यानी कि मेडिटेशन आज का दिन करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो शिव जी के जाप भी कीजिए, आपका दिन अत्यंत उत्तम जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए।